देखिए दोस्तों, इस समय हम कुलधरा से 10 किलोमीटर पहले मूल सागर गांव में हैं और इस समय 6:45 बज रहे हैं और हम पहुंचते कुलधरा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें मूल सागर में ये एक धर्मू रेस्टोरेंट है तो उनके मालिक हैं, उन्होंने हमको यहाँ रुकने की अनुमति दे दी है। ये देखिए रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में हमें बैक साइड में रुकने की अनुमति दे दी गई है। हमने यहाँ पर अपना टेंट लगा लिया है, ये हमारा लगेज, ये हमारी साइकिल, ये हमारे टेंट लगे हुए हैं, ये अनिल ब्लॉगर, और सनसेट होता हुआ आप खुद देख रहे हैं, चारों तरफ रेत ही रेत। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम यहाँ मूल सागर गांव में ही रुके हुए हैं और यहीं पर हम कुछ एडिट वगैरह अपना काम करेंगे और यहाँ देखिए ये धर्मू रेस्टोरेंट है और इसी में हमको जगह मिली थी रहने के लिए, तो हमने अपनी कैंपिंग की हुई है। खाना हम अपना खुद बनाते हैं और आपको दिखलाते हैं खाना वगैरह। ये अंकल इस होटल के मालिक हैं। आपका नाम क्या है सर? धर्मेंद्र। तो ये धर्मेंद्र इनके नाम से ही रेस्टोरेंट है, तो देखिए धर्मू रेस्टोरेंट, और ये अभी यहाँ खाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ खाने की व्यवस्था है। सम रोड मूल सागर अगर आप विजिट करते हैं तो आप इस होटल पर अवश्य विजिट करिए, आपको यहाँ हर तरह की सुविधा मिलेगी सिर्फ बजाय ठहरने के खाने पीने, क्योंकि इस रोड पर खाने पीने की काफ़ी समस्या है, गांव बहुत कम है, बहुत रेतीला इलाका है। ये मटर टमाटर गोभी मिक्स वेज है। अच्छा, तो आप खाने में थाली सिस्टम चलाते हैं, क्या चलाते हैं? थाली सिस्टम क्या रेट चलता है आपका? 100 रुपये तक फुल खाना, फुल डाइट 100 रुपये खाना मिलता है। और देखिए भैया जी, यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग रेट मिले, यहाँ फुल डाइट 100 रुपये है थाली। उसमें क्या क्या देते हैं आप? उसमें सर सलाद मिलेगा, छाछ मिलेगी और रोटी मिलेगी, फुल खाना। सलाद, छाछ और रोटी, और रोटियाँ चाहे जितने भी आप खाइए, रोटी फुल कितनी भी खा सकते हो, कितनी भी खा सकते हैं, फुल डाइट 100 रुपये में। हाँ जी सर ठीक। मैं आपको बता दिया, फिर भी बता दें नाम क्या है। इसी रेस्टोरेंट के सामने और ये इस तरफ जो मूल सागर गाँव है, तो हम कुछ आपको गांव का लोकेशन दिखा, गांव के घर दिखाते हैं किस तरह के होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम गांव की तरफ। सामने ये वाइट कलर में छोटा सा मंदिर है और ये आप खुद देखिए किस तरह से ये मकान बने हुए हैं, छप्पर वाले। और देखिए यहाँ ताला भी नहीं लगा हुआ है और इस किस तरह से ये कुंडी लगी हुई है, सिर्फ ये एक रस्सी से बंधी हुई है। और ये सामने देखिए, ये भी मिट्टी से ही बना हुआ मकान है, एक कमरा ये बना हुआ है और ये भी सब, ये सारे मकान मिट्टी से बने हुए हैं। क्या नाम है बेटे? आरती। तुम्हारा नाम क्या है? देवेंद्र। तुम्हारा? रणवीर। रणवीर, देखो ये इसी गांव के छोटे बच्चे हैं और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक एक ले लो, एक एक ले लो, एक तुम भी ले लो, एक तुम भी लो, ठीक है ना, जाओ। देखिए किस तरह से ये गांव में कच्चे मकान होते हैं और किस तरह से इनका रहन सहन होता है। और यहाँ आपको एक मंदिर भी मिलेगा। ये एक छोटा सा मंदिर भी है, ये हवन कुंड। इसमें पानी का टैंक, ये पानी का टैंक है, यहाँ पानी की सप्लाई यहाँ टैंकरों के द्वारा आती है, यहाँ कोई नलकूप या वो नहीं है,
नाम क्या भैया? मेरा नाम विजय है। तो आप यहाँ के मूल सागर के मूल निवासी हो? हाँ, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो भैया देखिए, भैया हमारे साथ ये क्या नाम बताया? विजय। ये विजय हैं और इनका आपको घर अंदर से दिखलाते हैं किस तरह से मिट्टी का और ये गांव का जो एक प्रकृति से ली हुई सारी चीजें है इसमें। जो भी मतलब लगा हुआ है ना मटेरियल, पूरा प्रकृति से मतलब लिया हुआ है। इसमें कोई भी मतलब केमिकल मटेरियल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया। आप दिखलाएंगे? हाँ जी। हाँ, ये देखिए रसोई है और ये चूल्हा, किस तरह से यहाँ खाना बनाया जाता है। इसके अंदर से धुआं निकलता जो होता है ना, इसके अंदर से ऊपर। और ये देखिए ये चिमनी की व्यवस्था है, ऊपर से ये धुआं निकल के जाता है। यहाँ गैस भी है लेकिन अधिकतर यहाँ गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, गैस का यूज नहीं करते हैं। और अगर बाहर आते हैं किचन से तो ये यहाँ इनका बर्तन धोने का स्थान है, यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ किए जाते हैं। और ये इनका देखिए किस तरह से एक रूम ये है, ये इनकी बैठक है, बेडरूम है। और ऊपर आप देखिए किस तरह से ये छप्पर बनाया गया हुआ है बारिश से और धूप से बचने के लिए। ये इनके बिस्तर और ये यहाँ पूजा के लिए, यहाँ देखिए तुलसी का भी पौधा है। ये लोग जो ग्रामीण रहते हैं इनकी ये कुलदेवी है। और देखिए यहाँ पर ईंट पत्थर और इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, पत्थर कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, बाकी ये गोबर से ही बनाया हुआ है। गोबर और मिट्टी का ही प्रयोग ज्यादा किया गया है। और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये जरूर पत्थर का बना हुआ है। विजय भाई एक बात बताइए, यहाँ पर आपका रोजगार या आगे जो आपका घर चलता है वो किस हिसाब से है, मतलब आपका क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पे देखो सर, जैसे कि साल में 3 महीने का सीजन टाइम रहता है सर्दियों का, उसमें तो टूरिज्म पे ही चलता है कि सर यहाँ पे गोल्डन स्टोन मतलब पीला पत्थर निकलता है, उसी पे डिपेंड है। मतलब दो ही मतलब जरिए हैं यहाँ पे मतलब कमाई के। जैसे हमने बाहर देखा पानी का टैंक बना हुआ है, वहाँ से टैंकर आता है आपके लिए? हाँ, टैंकर हमें डलवाना पड़ता है, बाकी पानी की लाइनिंग वाली वैसी सुविधा नहीं है। पानी की लाइनिंग की कोई सुविधा नहीं है और बारिश का पानी भी यहाँ रुकता नहीं है। बारिश का पानी रुकता नहीं। तो एक टैंकर कितने का पड़ता है आपको? एक यहाँ पे पड़ जाता है 500 रुपए। 500 रुपए का? तो कितना दिन चल जाता है टैंकर? 10 दिन चलता है। बताओ इस इनोका 1500 रुपए महीने का पानी का खर्चा है, जबकि शहर में आप खुद ही समझ जाइए कि ज्यादा 500 रुपए भी नहीं आता है। तो यहाँ कितनी कठिन जिंदगी है यहाँ मूल सागर गांव में। इन मकानों पर किस तरह से कच्चे मकानों पर देखिए रंग वगैरह किया जाता है और ये सारी गोबर से मकान बने हुए हैं। और आप खुद पेंटिंग देख रहे हैं किस तरह से पेंटिंग है। ये घर का मेन गेट है। गमला देखिए भैया जी, यहाँ पर अर्जुन का पेड़ भी लगा हुआ है जिसको छाल का उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है, जिसको बोलते हैं अर्जुन की छाल। पतंजलि तो पैक करके इस छाल को बेचता है। ये आप अर्जुन का पेड़ देख रहे हैं जिसकी छाल को दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए ये किस तरह से ये भेड़ और बकरियों के लिए फूस से वो बना रखा है इनके लिए घर। आपको घर दिखाते हैं अंदर से, ये देखिए कितनी प्यारी है। ये बकरियों के लिए मकान है।
ऐसे यहाँ पे पहले गोबर की लिपाई करते है, इसके ऊपर ये पेंट ना हमारे यहाँ पहाड़ी में निकलता है। अच्छा अच्छा, तो पहाड़ी में पेंट वगैरह करते हैं। अच्छा, और ये ऐसे पेंटिंग आप खुद ही करते हो ये क्या? हाँ, हम खुद ही करते हैं। खुद ही करते हो? हाँ, पेंटर भी है आपका? पेंटर हम खुद ही है, बनाने वाले हम खुद से बनाते हैं। इसके ऊपर लिपाई, इसके ऊपर लिपाई कच्चे वाले बने हैं। पहले पत्थर से बनाते हैं कच्चा। ये पुराने हो गए देखो। हाँ, ये पुराने बनाए हुए, तो अब ये नए में बनाया थोड़ा, तो अब इसके ऊपर लिपाई होगी गोबर से। हाँ, लिपाई होगी खूब सारी। लिपाई होने के बाद गोबर करने के बाद फिर आप पेंट करोगे? गोबर करने के बाद उसके ऊपर पेंट करते हैं, फिर डिजाइन वगैरह बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अब इसके ऊपर नया पेंट है, अभी दीवार थी ना। अच्छा, गोबर की लिपाई होगी। ठंड वगैरह कैसा मौसम रहता है? मौसम तो अच्छा ही रहता है, सबसे बेस्ट है इसमें। अच्छा, सबसे बेस्ट आंधी तूफान कुछ नहीं आता। सबसे बेस्ट बताने भैया, यहाँ राजस्थान यार मैं अंदर आया हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है बिल्कुल ना, तो गर्मी है बिल्कुल मस्त मौसम। कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर है इस मकान का। ये रहेगा गर्म। अच्छा, और गर्मी में रहेगा ठंडा है। अच्छा अच्छा, गर्मी में इतनी मतलब एसी की जरूरत नहीं इसमें, और ये फैन वगैरह लगाए हुए सब सुविधा है इसमें। छत वगैरह गर्म भी नहीं होता और धूप भी नहीं पड़ती, एकदम सीधा इस टाइप का बनाया हुआ है। मस्त मजा आ रहा है इसमें। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम जितेंद्र है। देखिए, जितेंद्र हैं और इनके गांव वही मूल सागर गांव में आए हुए हैं। इनका भी मकान हमने देखा और आपको दिखलाया किस तरह से, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ के मकानों का। और यहाँ बिस्तर वगैरह हम खुद ही बनाते हैं देखो, और ये बिस्तर भी देखिए, ये खुद के बनाए हुए बिस्तर हैं। घर पे ही बनाते हैं, जब कपड़े घर पर ही बनाते हैं, चादर वगैरह लेके आते हैं अंदर बिस्तर वगैरह। आप ये सारे काम भाई है ना, बाबा साहब के बाबा साहब हैं। चलो आ भाई, तो पेंटिंग का काम आप ही करते हो? अच्छा, खूबसूरत पेंटिंग देखी मैंने अभी दीवार पर, बहुत अच्छी है। थैंक यू। पढ़ाई भी नहीं की? अच्छा, पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि पहले स्कूल नहीं थी गांव में। अच्छा अच्छा, इसलिए पढ़ाई भी नहीं की। अब तो पढ़ाई के बाद भी ये इतना मतलब पेंटिंग अच्छे से बनाती है। अब अंदर बनाई आपको दिखाऊंगा मैं, मैंने दीवार पे देखी ना वो काफी, वो सब इसने इसने भैया के घर पे भी इसने बनाई। ओ भाई, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई मैंने अभी देखी थी। तो जैसे कलर तुम बनाते हो, मतलब कलर खुद ही हाथों से बनाते हो कि लेके आते हो मार्केट से? मार्केट से कलर लाना पड़ता है। अच्छा, पहाड़ी में निकलता है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए राजस्थान में बाजरे की रोटी और सांगरी का साग चलता है, तो हम आपको सांगरी का पेड़ दिखलाते हैं। ये है भैया सांगरी का पेड़। अच्छा, इसे बोलते हैं राजस्थानी सांगरी का पेड़। ये राजस्थान में सांगरी लगती है गर्मी टाइम में। और भैया इसमें कांटे भी तो हैं? छोटे कांटे तो है ना, कांटे खूब कांटे, खतरनाक कांटे इसके। ये सांगरी का पेड़ है और इसकी सब्जी बनती है, अभी सांगरी आई नहीं है इसमें। मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, भोले बाबा जी का मंदिर है ये। इसको तंदूरा बोलते हैं राजस्थान। तंदूरा हो गया। मुझे बजाना तो नहीं आना पड़े, मतलब इस तरह से आवाज निकलने की। दो तीन सेकंड है हमारे यहाँ पे। एक ये देखिए, यहाँ पर मैंने कई मकान ऐसे भी देखे हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ राजस्थान में ये मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया हुआ है, और उसका ये बोर्ड भी लगा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और कितनी शानदार गोबर से, और ये देखिए कितना अच्छा पेंटिंग किया गया हुआ है। दोस्तों देखिए, इस समय हम मूल सागर गांव में हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए धन्यवाद।